आज हम ओरियो बिस्किट से कपकेक्स बनाने वाले हैं। सबसे आसान रेसिपी है ये परफेक्ट स्पॉन्जी कपकेक्स बनाने की। इन कपकेक्स को हम कटोरी में गैस पर बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और कपकेक्स के लिए जो हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं इसको हम सिर्फ 2 मिनट में एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं जो सबके घर में अवेलेबल होता है। हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो कपकेक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कढ़ाई को प्री हीट करना होगा। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख ली है गैस पर मीडियम फ्लेम पर, और इसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी नमक। और नमक के ऊपर हम रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो एक कटोरी को उल्टा करके रख दीजिए। और अब जिस प्लेट में हम कपकेक्स बनाने के लिए कटोरी रखेंगे उस प्लेट को भी रख देते हैं। और अब हम इसको ढक देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और अगर आपकी कढ़ाई की लिड में इस तरह से होल बना हुआ है तो उसको थोड़े से कागज़ से इस तरह कवर कर दीजिए। और जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट होगी तब तक हम कपकेक्स का बैटर बना लेते हैं। तो कपकेक्स का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 120 ग्राम वाला यानी कि 30 रुपए वाला एक ओरियो बिस्किट का पैकेट। इस एक पैकेट में हमारे लगभग 5 से 6 कपकेक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और अब हमें सबसे पहले इन कुकीज़ में से या इन बिस्किट्स में से क्रीम अलग करनी है। तो 2 बॉल्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, एक में हम बिस्किट्स रखेंगे और एक में बिस्किट्स की क्रीम अलग करके रख देंगे। और इस तरह के चॉकलेट कपकेक्स बनाने के लिए आप कोई भी क्रीम बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं ओरियो की जगह, जैसे कि बॉर्बन या और कोई क्रीम बिस्किट्स। तो बिस्किट से क्रीम हमने अलग कर दी है और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। इसकी हेल्प से हम कपकेक्स के लिए विप क्रीम बनाएंगे। और अभी हमें इन बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार। बिस्किट्स को हम जार में डालेंगे और इनका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट्स का फाइन पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसका पेस्ट बनाना है दूध के साथ। तो इसमें हम डालेंगे टोटल 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून दूध। और अब हम मिक्सर ग्राइंडर को लगभग 20 से 30 सेकंड्स तक एक बार और चला देंगे। और अब बिस्किट और दूध से बना ये थिक पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो 1/4 कप प्लस 1 टेबलस्पून दूध हमने टोटल यूज़ किया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी बनी है पेस्ट की। और अब हमें यहाँ पर लेनी है छोटी छोटी स्टील की कटोरी। तो जो आपके किचन में सबसे छोटी साइज़ की कटोरी अवेलेबल होगी आप वो कोशिश कीजिएगा यूज़ करने की। और अब हम इन सब कटोरियों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो कटोरियों पे हमने अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। अब हमें बैटर में इनो डालना है। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून इनो यूज़ कर रही हूँ एक पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए। अगर आप इनो नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इनो को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और क्विकली हम इस बैटर को अब ग्रीस की हुई कटोरियों में डालेंगे। तो कटोरियों को आप पूरा ऊपर तक नहीं भरिएगा, आधे से ज़्यादा हम कटोरी को भरेंगे यानी कि 3/4 कटोरी तक आप बैटर डाल दीजिए, क्योंकि इसको ये फूलेगा जब कढ़ाई में हम इसको रखेंगे। तो थोड़ी सी जगह हमें ऊपर छोड़नी होगी, नहीं तो बैटर बाहर आ जाएगा फूल करके। और अब ये कपकेक्स हमारे बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमें कढ़ाई को भी गैस पर रखे हुए 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो ये अच्छे से प्री हीट हो गई है। तो अब हमने जो प्लेट रखी थी कढ़ाई के अंदर, इसके ऊपर हम कपकेक्स की कटोरियाँ रख देते हैं। और अब हम कढ़ाई को लिड से ढक देंगे और इनको लगभग 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही रहने देंगे। और 20 से 25 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि कपकेक्स अंदर तक पक चुके हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि कपकेक्स अंदर से अभी तक नहीं पके हैं तो आप इनको 5 से 10 मिनट तक के लिए और ढककर रख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर।
पर हमारे कपकेक्स अंदर तक अच्छे से बेक हो चुके हैं, तो हम इनको गैस पर से उतार लेते हैं। और अब कपकेक्स को गैस से उतारे हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, तो अब हम इनको थोड़ा सा नाइफ़ की हेल्प से कटोरियों में से निकाल लेते हैं। बहुत ही आराम से ये निकल जाएंगे। कपकेक्स को हम थोड़ा ठंडा होने के बाद ही कटोरी में से निकालेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकालते समय टूट सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी, फ्लफी और सॉफ्ट हमारे कपकेक्स बने हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कपकेक्स है ये। तो चलिए अब इनकी आइसिंग करते हैं। और आइसिंग करने के लिए हमने यहाँ पर जो बिस्किट्स की क्रीम अलग करके रखी थी वो ले ली है, और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। ये नॉर्मल चीनी है जिसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून यानी कि 1.5 बड़े चम्मच मलाई। तो मलाई तो हमेशा ही हमारे घर में होती है, पर अगर बाय चांस आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें 1.5 चम्मच अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे विस्क की हेल्प से। तो लगभग आप इसको 3 से 4 मिनट तक लगातार विस्क करेंगे ना, तो ये जो हमारा क्रीम है जो अभी बहुत थिक दिख रहा है ये धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। तो इसको 3-4 मिनट तक लगातार अपने हाथ से चलाते रहिए। और इसको अच्छे से चलाने के बाद अब आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल विप क्रीम की तरह तैयार हो गई है। सॉफ्ट पीक्स आप देख सकते हैं, तो यानी कि ये आइसिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको हम पाइपिंग बैग में डाल लेते हैं। और बिल्कुल विप क्रीम जैसे टेक्सचर के साथ हम आइसिंग कर रहे हैं इतनी आसानी से बनाई हुई क्रीम से। और इसमें हमने सिर्फ चीनी, बिस्किट्स की क्रीम और मलाई यूज़ की है, तो बहुत ही आसानी से बन गई है ये हमारी परफेक्ट विप क्रीम। और केक्स भी, कपकेक्स भी मैंने आपको दिखाया कितने स्पॉन्जी बने हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप जब चाहे आप कपकेक्स को घर में बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। तो कपकेक्स की आइसिंग हो चुकी है और क्रीम के ऊपर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ओरियो कुकीज़ के पीसेस लग दिए हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और इजी टेस्टी क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल जीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारी अमेजिंग रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।